हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर आइसोलेशन का एक लेक्चर आपके पास लेकर के आए हैं। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर 6 12th का। भाव पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए हैं कि देखिए आइसोलेशन क्या है। ये ओर से मेटल निकालना है, और से क्या है मेटल निकालना है, बस सिंपल कुछ तो है नहीं आपको, और से सिंपली मेटल निकालना है। अब ये मेटल कैसे निकलेगा, तो इसके लिए प्रोसेस है। पहले आप ओर को, ओर में जो इंपुरिटीज है उसको आप हटाएंगे, तो ओर में जो इंपुरिटीज है आप उसको हटाएंगे, उसको बोलते हैं जो इंपुरिटीज है उसको हटाना है, तो आप उसको बोलते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। क्या बोलते हो आप, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। क्या बोलते हो आप, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि जो इम्प्यूरिटीज है उस इम्प्यूरिटीज को हटाने का जो प्रोसेस है उसको आप बोलते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। क्या बोलते हैं आप, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, उसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करना है। जब ये ओर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तब इसके बाद बात करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर दो तरह से हो सकता है, एक को बोलते हैं फिजिकल मेथड, और एक को बोलते हैं केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आपने बात किया है, फिजिकल मेथड में आपने बात किया है ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन आपने बात किया है मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ प्रेशर प्रोसेस, फ्रॉथ प्रेशर प्रोसेस, और केमिकल मेथड में एक काम है लीचिंग। इन सभी को पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया गया है, सभी को पिछले लेक्चर में समझा दिया गया है कि क्या चीज होता है, कब यूज करते हैं, इसका यूज कब करेंगे, इसका यूज कब करेंगे, इसका यूज कब करेंगे, इसका यूज कब करेंगे, सभी को समझा दिया गया है। आज हम लोग बात करने वाले लीचिंग, लीचिंग यानी केमिकल सेपरेशन, यानी कि केमिकल सेपरेशन। हम लोग बात करें केमिकल सेपरेशन, तो केमिकल सेपरेशन में करेंगे क्या चीज, केमिकल सेपरेशन में हम क्या करेंगे। तो देखिए केमिकल सेपरेशन में इसमें होता है, ये लीचिंग में क्या होता है, लीचिंग में क्या होता है, ठीक है, लीचिंग में क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे कि अगर ओर है इसमें प्लस इंपुरिटीज है, ओर प्लस इंपुरिटी है, हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सुटेबल सॉल्वेंट या एसिड या बेस में इसको ओर को डिसॉल्व करेंगे, सुटेबल सॉल्वेंट में
ओर को डिसॉल्व करेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे। इसमें ओर जो इम्प्योर ओर है उसमें इम्प्योरिटीज भी है, उसको क्या करेंगे, इम्प्योर ओर को, इम्प्योर ओर को एसिड या बेस में डाल देंगे। एसिड बोल बेस में डिसॉल्व कर देंगे। डिसॉल्व करने से ये एसिड डिसॉल्व कर सॉरी ओर डिसॉल्व कर जाता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग। ओर क्या कर जाता है, डिसॉल्व कर जाता है, लेकिन इम्प्यूरिटीज डू नॉट रिएक्ट, यानी ओर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बना देगा। अब प्लस इम्प्यूरिटीज रहेगा ही, यानी ओर डिसॉल्व कर जाएगा और सॉल्यूशन बना देगा। और क्या बना देगा, सोल्यूशन बना देगा, और सोल्यूशन बना देगा और इम्प्योरिटी जस का तस रहेगा। हम क्या करेंगे, और को फिल्टर आउट सॉरी इम्प्योरिटीज को फिल्टर आउट कर देंगे। इम्प्योरिटी को क्या करेंगे, फिल्टर आउट कर देंगे। अब हमारे पास बचा केवल सोल्यूशन। क्या बचा, सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन से सुटेबल मेथड के द्वारा, सुटेबल मेथड के द्वारा फिर से और बना लेंगे। सुटेबल मेथड के द्वारा फिर से क्या बना लेंगे, और बताइए क्या किया, इम्प्योर और है उसमें एसिड और बेस डिसॉल्व किए, एसिड और बेस डिसॉल्व किए, एसिड और बेस डिसॉल्व किए। जब एसिड और बेस डिसॉल्व किए तो क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन जो और जो है वो सॉल्यूशन बना देगा और सोलबल होकर सोलबल हो जाएगा, लेकिन इम्प्योरिटीज जस का तस रहेगा। इम्प्योरिटीज डू नॉट रिएक्ट। जब इम्प्योरिटी रिएक्ट नहीं करेगा तो उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे, और फिल्टर आउट करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बचा उस सॉल्यूशन से सूटेबल मेथड के द्वारा फिर से हम और प्राप्त कर लेंगे, यानी कि इम्प्योरिटीज निकाल दिए और कॉन्सेंट्रेट हो गया एंड पूरे प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग। यानी लीचिंग में समझ में आया, यानी कि आपको और को सूटेबल एसिड या बेस में डिसॉल्व करना है, सिर्फ और डिसॉल्व होगा, इम्प्योरिटीज रिएक्ट नहीं करेगा, वो सस्पेंडेड रहेगा, वो क्या करेंगे उसको, इनसॉल्युबल पार्टिकल रहेगा, उसको क्या करेंगे हम कि छान करके अलग कर लेंगे। अब जब छान करके अलग कर लेंगे, जैसे ही छान के अलग कर लेंगे केवल सोल्यूशन बचेगा। अब इस सोल्यूशन को हम क्या करेंगे बाबू, सोल्यूशन को क्या करेंगे आप ही बताओ, सोल्यूशन को फिर सोल्यूशन से हम फिर से और प्राप्त कर लेंगे सूटेबल मेथड। इस तरह का प्रोसेस आपको बॉक्साइट में करते हैं, इस तरह का प्रोसेस कहाँ करते हैं, बॉक्साइट में करते हैं। तो इसका एग्जांपल है, आपका बॉक्साइट। देखिए ये बॉक्साइट है, ये ओर है, देखिए ये ओर है बॉक्साइट। इसमें हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट डाल करके ओर को सॉल्व कर देंगे। देखिए ये बॉक्साइट है, ये एलुमिना है, पाउडर एलुमिना है, ये पाउडर एलुमिना में देखिए इसमें सिलिका होता है, देखिए इसमें सिलिका होता है, देखिए देखिए इसमें सिलिका और टिटेनियम ऑक्साइड इम्प्योरिटीज होगा। अगर बाबू देखिए यहाँ पे बॉक्साइट, ये बॉक्साइट ओर है, इस ओर से हमको एक्चुअली एल्यूमिना निकालना है, अल्मीनियम निकालना है, लेकिन इस ओर से अल्मीनियम निकालना है, इस ओर से अल्मीनियम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले इस ओर को कॉन्सेंट्रेट करेंगे।
तो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करना होगा, और कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए बाबू इसको बॉक्साइट का कॉन्सेंट्रेशन लीचिंग प्रोसेस केमिकल प्रोसेस से करते हैं। इसमें इम्प्रेज के रूप में या तो सिलिका होता है, एम टिटेनियम ऑक्साइड होता है, डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। आप यहाँ पे ये जब सिलिका और टिटेनियम ऑक्साइड होगा तो हम इसको पाउडर और बनाना तो है, पाउडर तो बनाना ही है। अब इस पाउडर और को एक स्पेशल सॉल्वेंट, और स्पेशल सॉल्वेंट के द्वारा क्या करेंगे, इसको डिसॉल्व कराएंगे। अब ध्यान से सुनो, इसमें जो इम्प्योर ओर है उसमें क्या करेंगे कि इम्प्योर ओर में NaOH डिसॉल्व कराएंगे, NaOH में डिसॉल्व, NaOH उसमें डालेंगे, ठीक है। जब NaOH डालेंगे ना, NaOH में डालेंगे तो क्या होगा, आपका जो ओर है एल्यूमिना Al2O3 जो है वो डिसॉल्व कर जाएगा, वो केवल डिसॉल्व करेगा। अब बाकी जो इम्प्योर टिटेनियम ऑक्साइड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड जो था वो सारा का सारा वो रिएक्शन नहीं करेगा, हम उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देंगे। लेकिन जैसे ही हम NaOH डालेंगे, ये NaOH डालेंगे तो ये एल्यूमिना एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, और ये रिएक्ट करके आपको ये दिमाग बैठा है कि ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के लिए 473 से 523 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, यानी 200 से 250 डिग्री सी टेम्परेचर चाहिए, 200 से 250 डिग्री सी टेम्परेचर चाहिए, और 35 से 36 बार प्रेशर चाहिए। जैसे ही ये रिएक्शन डिजॉल्व करेगा तो एल्यूमिना सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा बाबू, और ये सोडियम एल्यूमिनेट में क्या कर जाएगा, डिसॉल्व कर जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट में ये डिसॉल्व कर जाएगा, वो सोल्युबल होता है, सोडियम एल्यूमिनेट डिसॉल्व कर जाता है। लेकिन जो इम्प्योरिटीज है वो डिसॉल्व नहीं करता है, वो टिटेनियम ऑक्साइड हो गया, सिलिका हो गया, वो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है, उस जब रिएक्शन नहीं करता है तो वो उसको छान के क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। अब इस जो सॉल्यूशन बचा जो हमारा सोडियम एल्यूमिनेट बना, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल के, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डाल कर सैचुरेट करेंगे, क्या डाल के करेंगे बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड डाल करके हम इसको सैचुरेट करेंगे। तो जैसे ही सैचुरेट करेंगे तो यहाँ पे अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए CO2 गैस डाले, अल्मोनियम ऑक्साइड का हाइड्रेटेड अल्मोनियम ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, ये अल्मोनियम नहीं हाइड्रेट अल्मोनियम ऑक्साइड का क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। ये प्रेसिपिटेट के क्या करेंगे, हम छानेंगे, इस जैसे CO2 से CO2 डालेंगे सैचुरेट होगा तो ये अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। उस प्रेसिपिटेट को क्या करेंगे, हम छानेंगे, उस प्रेसिपिटेट को क्या करेंगे, छानेंगे, छानने के बाद प्रेसिपिटेट को छानेंगे, सुखाएंगे, और फर्दर फर्नेस में क्या करेंगे, हीट करेंगे। देखिए यहाँ से प्रेसिपिटेट करके फिल्टर करेंगे और ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद फिर से हम फर्नेस में डालेंगे और यहाँ से हॉट गैस देंगे। तो जैसे ही हॉट गैस देंगे तो ये 1470 केल्विन पे ये अल्मोनियम हाइड्रेट अल्मोनियम ऑक्साइड है ये प्योर एल्यूमिना में कन्वर्ट कर जाता है, प्योर एल्यूमिना में कन्वर्ट कर जाता है, देख ले आप प्योर एल्यूमिना में कन्वर्ट कर गया, और इम्प्योरिटीज भी हमारा निकल गया और एल्यूमिना भी बन गया हमारा, प्योर एल्यूमिना यहाँ से निकल गया। तो इस तरह से हम बॉक्साइट का एल्यूमिना बॉक्साइट का करते हैं। देखिए इस तरह का प्रोसेस आप सिल्वर और गोल्ड के कॉन्सेंट्रेशन में भी करते हैं। सिल्वर और गोल्ड के कॉन्सेंट्रेशन में क्या करेंगे हम बाबू, यहाँ पे आप सोडियम साइनाइड डालेंगे, ठीक है, सोडियम और गोल्ड के कॉन्सेंट्रेशन में करते हैं, सोडियम और गोल्ड के कॉन्सेंट्रेशन में भी करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है मैक आर्थर प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैक आर्थर प्रोसेस। इसमें इम्प्योर और जो है इम्प्योर जो गोल्ड होगा, इम्प्योर गोल्ड या इम्प्योर जो सिल्वर होगा उसमें सोडियम साइनाइड डालेंगे, क्या डालेंगे, सोडियम साइनाइड डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सोडियम साइनाइड डालेंगे
इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एयर के प्रेजेंस में क्या करता है कि रिएक्ट कर करके एक सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। डायसियानो ठीक है, सोडियम डायसियानो अर्जेंटेट बना देता है, एक सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो कौन सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा? तो सिल्वर बनाएगा सोल्युबल कॉम्प्लेक्स। सर इम्पुटिज, हमने इम्पुटिज नहीं रिएक्ट करेगा, तो इम्पुटिज नहीं रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा बाबू? जब इम्पुटिज रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? इम्पुटिज रिएक्ट नहीं करेगा तो उसको हम छान के अलग कर लेंगे। क्या करेगा? उसको छान के अलग कर लेंगे। और जैसे ही छान के अलग कर लेंगे तो क्या होगा? आप लोग छान के अलग कर लिए, क्या किए उसको? छान लिए और छान के उसको अलग कर लिए। अब हमारा सोल्यूशन बचा। देखिए आप इसको, जैसे ही हम यहाँ पे सिल्वर सोडियम साइनाइड डालें तो ये एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करके सोडियम अर्जेंटो साइनाइड बना दिया। ये अर्जेंटो साइनाइड बना दिया, ये क्या होता है? वाटर सोलबल होता है। अब इसमें हम मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जिंक डालेंगे। क्या डालेंगे? मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जिंक डालेंगे। तो सर जिंक डालेंगे तो क्या होगा? मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जिंक डालेंगे तो ये क्या करता है? जिंक ये कॉम्प्लेक्स से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है। सिल्वर को क्या कर देता है? जिंक इस सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है, निकाल देता है। जैसे ही निकाला तो फिर हमारा इस कॉम्प्लेक्स तो रह गया, जिंक कॉम्प्लेक्स में चला गया और हमारा सिल्वर क्या हो गया? फ्री हो गया। और इस तरह से हमारा प्योर सिल्वर यहाँ पे प्राप्त हो गया। प्योर सिल्वर प्राप्त हो गया, क्या हो गया बाबू? प्योर सिल्वर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा, देखिए प्योर सिल्वर प्राप्त हो गया। अब ये हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किया जाए, मेटल मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो आपने क्या क्या पढ़ा है? पहले ग्रेविटी सेपरेशन, फिर इसके बाद आपने पढ़ा मैट्रिक्स सेपरेशन, फ्रॉस्टफॉर्मेशन प्रोसेस और लीचिंग। आप इस तरह से आपने पढ़ा मेटल का कॉन्सेंट्रेशन। अब ये प्लांट है, ये प्लांट्स में आप ओर को कॉन्सेंट्रेट किए, आपने ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के बाद आपको मेटल निकालना है। ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के बाद मेटल निकालना है, लेकिन डायरेक्ट मेटल नहीं निकलता है बेटा, ओर से डायरेक्ट मेटल नहीं निकलता है। पहले ओर को ऑक्साइड ऑफ ओर में बदलेंगे। ओर को किस में बदलेंगे? ऑक्साइड में बदलेंगे। और जब मेटल का, जब ऑक्साइड बन गया तो उस ऑक्साइड का रिडक्शन कराएंगे तो हमारा मेटल बनेगा। यानी कि पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको पहले रिडक्शन कराना है तो रिडक्शन कराने के लिए क्या करेंगे जल्दी बताओ? पहले कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, उस ओर को किस में बदल देना है? उस ओर को किस में बदल देना है? सबसे पहले तो ओर को आपको बदल देना है ऑक्साइड में। और जब ऑक्साइड में बदल जाएगा तो फिर अब उसको हम फिर किस में बदल देंगे बाबू? फिर जब ऑक्साइड ओर में बदल गया, अब इसके बाद हम उस ओर को, उस ऑक्साइड ओर को मेटल में रिडक्शन कर देंगे। हमको बात करना है कैसे कैसे करेंगे। देखिए ये कॉपर है, ये कॉपर ओर है, ये उसको कॉन्सेंट्रेशन किए, फिर ऑक्सीडेशन कॉपर ऑक्साइड बनाए, ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करें तो कॉपर मिलेगा। यानी कि अगर आपको बता दे बाबू कि सबसे पहले आप ओर को आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, कॉन्सेंट्रेट करने के बाद उसको आप पहले ऑक्साइड में बदलोगे, बेटा जब ऑक्साइड में बदल जाएगा तो उसका रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन करके फट से हम किस में बदल देंगे? रिडक्शन में क्या होता है कि जो ऑक्साइड बना उस ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल देंगे, और ऑक्सीजन निकाल देंगे तो हमारा शुद्ध मेटल बच जाएगा। इसके लिए हमको रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत होता है जो ऑक्साइड का ऑक्सीजन को कैच कर ले। अब यहाँ पे आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर। अब हमको क्या करना है कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर से मेटल को निकालना है। कॉन्सेंट्रेट ओर से मेटल कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हमें दो स्टेप में कंप्लीट करना होगा बेटा। कितने स्टेप में कंप्लीट करेंगे? तो दो स्टेप में। पहला स्टेप में क्या होगा कि पहला स्टेप में कि पहले
पहले कॉन्सेंट्रेटेड ओर को आप मेटल ऑक्साइड में बदलोगे, और जब मेटल ऑक्साइड बदल जाएगा तो उसका रिडक्शन करेंगे, और उसका रिडक्शन करके तब मेटल में बदलेंगे। हाँ, तो इसको हम लोग देखें, इसी चीज़ को बात करते हैं कि देखिए ये एक्सट्रैक्शन ओर है, ये क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को क्या दो स्टेप में होगा, कन्वर्टिंग ओर इंटू मेटल ऑक्साइड यानी ऑक्सीडेशन कराएंगे, और फिर इसके बाद रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इंटू मेटल रिडक्शन कराएंगे। यानी पहले एक बार ऑक्सीडेशन कराना है और फिर इसके बाद रिडक्शन कराना है। ये जो ऑक्सीडेशन होगा दो तरह का से दो तरह से कंप्लीट होता है, एक को बोलते हैं कैल्सिनेशन और दूसरे को बोलते हैं रोस्टिंग। अब हम लोग को बारी बारी से कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में पढ़ना है। देखिए क्या है, एक तरह का ये चूल्हा है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, ये इसको रिवर्बरेटरी फर्नेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे कि पाउडर जो ऑक्साइड जो है, सुनो यहाँ पे लिमिटेड एयर देंगे, यार एयर के एयर का ही है कैल्सियम, इज कमली यूज टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर। इसमें कार्बोनेट ओर को बदलते हैं, जैसे केलामीन को, जैसे डोलामाइट को, इसमें कार्बोनेट ओर को बदला जाता है। अगर कोई हाइड्रेटेड ओर हो, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप समझे, कैल्सिनेशन है क्या चीज़, कैल्सिनेशन है क्या चीज़, पहले सुनिए, कैल्सिनेशन है क्या चीज़। तो कैल्सिनेशन ऐसा प्रोसेस है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओर को हीट किया जाता है, जिसमें ओर को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, इन ऑब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। व्हाट इज कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन इज नथिंग, इट इज हीटिंग ऑफ ओर इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही हमको ओर को हीट करना है, लेकिन उसमें एयर ऑब्सेंट रखेंगे, या एयर को ऑब्सेंट रखेंगे, या तो फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर देंगे। फिर से समझिए, व्हाट इज कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन कुछ नहीं है बेटा, कैल्सिनेशन है एक तरह का ओर को हीट करना है इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे उसको हीट करेंगे। तो आखिर सर इसमें होता क्या है, अगर हीट करने से होता क्या है, तो देखिए हीट करने से क्या होगा, सबसे पहले अगर ओर मॉइस्ट है तो ड्राई हो जाएगा, मॉइस्ट ड्राई हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर हाइड्रेटेड ओर है जैसे देखो Fe2O3XH2 हाइड्रेटेड हेमाटाइट है, अगर जैसे ही हम कैल्सिनेशन करेंगे, हीट करेंगे, तो ये ओर जो XH2 है हट जाएगा, ये आयरन थर्ड ऑक्साइड हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, बिकम ड्राई एनहाइड्रस। यानी कि अगर हम रोस्टिंग करते हैं तो दिमाग में बिठा लें कि ये कहाँ होगा कैल्सिनेशन, रिवर्बरेटरी फर्नेस में होगा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में होगा। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा कि अगर ये मेनली होता है कार्बोनेट ओर के लिए, कार्बोनेट ओर को जब हीट करेंगे तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 गैस निकल जाता है। आप देखेंगे इसको, देखें इसको मान ली यूज टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर, जैसे केलामीन। देखिए केलामीन जो है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, केलामीन ZnCO3, डोलामाइट CaCO3, MgCO3, कैल्सियम इकोमली यूज फॉर कन्वर्ट कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर को यूज कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ध्यान दिमाग में बैठाना है कि जैसे ही हम यहाँ पे कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, जैसे जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे, कैल्सिनेट करेंगे, तो जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, देखो यहाँ से CO2 निकल गया, और अब ये कैल्सिनेटेड ओर हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। तो आप यहाँ पे ध्यान रहे, अगर डोलोमाइट है, देखोगे आप
देखोगे आप जिंक कार्बोनेट है, डोलोमाइट है, नहीं ये केलामिन इसको बोलते हैं। आप जैसे ही हेमाटाइट ओर है ऐसे ही हीट किए, हेमाटाइट ओर को हीट किया, देखिए वहाँ से वाटर निकल गया, वाटर निकल गया, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। देखो जिंक कार्बोनेट है बेटा, तो जिंक कार्बोनेट हीट किया तो जिंक ऑक्साइड में और CO2 गैस बाहर, देखिए CO2 गैस बाहर निकल गया, CO2 गैस बाहर निकल गया, अब जिंक ऑक्साइड बन गया और CO2 गैस बाहर निकल गया। तो इस तरह का आपको कैल्सिनेशन में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए कैल्शियम का डोलोमाइट है, ये देखिए डोलोमाइट में हीट करेंगे तो CO2 गैस बाहर निकलेगा, देखो CO2 गैस बाहर निकलेगा, ए यस CO2 गैस बाहर निकले, तो कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब ध्यान रखिए, देखिए इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड और इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि डोलोमाइट को आप हीट करोगे, यानी कि दिमाग में बिठा लो कि अगर आप कार्बोनेट ओर को हीट करते हो, कार्बोनेट ओर को अगर आप हीट करते हो, किसको हीट करते हो बाबू, कार्बोनेट ओर को अगर हीट करते हो तो उसका ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद वो CO2 गैस निकलेगा। अब देखिए CO2 गैस निकलने के बाद ये देखिए डोलोमाइट पहले कैसा था, आप ध्यान दोगे तो डोलोमाइट ऐसे था, देखिए ये डोलोमाइट का है, ये देखिए डोलोमाइट ऐसा था, जैसे आप हीट किए तो CO2 गैस निकला और वो कैल्शियम ऑक्साइड ऐसा हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसा हो गया, और इस तरह से हमारा रोस्टिंग होता है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो हेमाटाइट है, हेमाटाइट को आपने हीट किया, यहाँ से वाटर बाहर निकल गया, देखो वाटर बाहर निकल गया, इस तरह का कैल्सिनेटेड ओर हो गया। अब आया बात रोस्टिंग का, रोस्टिंग भी सेम चीज़ है, ये रोस्टेड, आप तो रोस्टेड चिकन खाते हो, रोस्टेड चिकन खाते हो, यानी चिकन क्या है, रोस्टेड चिकन, तो चिकन को क्या करते हैं, आग में ऐसे जलाते हो, ऐसे चिकन को आग में जलाते हो, क्यों, तो वो एयर के प्रेजेंस में उसको हीट करते हो चिकन को, जब एयर के प्रेजेंस में हीट किए चिकन को तो रोस्टेड चिकन, अगर ओर को एयर के प्रेजेंस में हीट किए तो रोस्टिंग। यानी क्या है ये एक तरह का प्रोसेस है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें ओर को आप क्या करोगे, ओर को हीट करोगे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ओर को आप हीट करोगे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हीट करोगे, नहीं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर एयर के प्रेजेंस में हीट किए तो आपका कैल्सिनेशन हो गया, एयर के प्रेजेंस में हीट किए तो ये रोस्टिंग हो गया, एयर के अब्सेंस में कर दिए तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग हो गया, एयर के अब्सेंस में कैल्सिनेशन, एयर के प्रेजेंस में रोस्टिंग। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये इसमें मेनली सल्फाइड ओर के लिए करते हैं, मेनली किसके लिए करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए करते हैं, तो आप इसमें सल्फाइड ओर है, एयर सप्लाई करेंगे, देखिए एयर सप्लाई करेंगे आप, एयर देखिए एयर का देखो गर्म हवा दिए, हीट किए, जैसे आप हीट करोगे रोस्टेड करें इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर गया, तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर गया ये इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब इसमें क्या होगा रोस्टिंग में, अब ध्यान रहे जिंक सल्फाइड है इसको एयर के प्रेजेंस में हीट किए, तो जैसे ही एयर के प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये जिंक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल जाएगा। तो देखिए आप ये ठीक है ना, जिंक सल्फाइड है, ये भी एक तरह का, देखिए जितना भी ओर है वास्तव में ये आपको पत्थर जैसा होता है, पत्थर ही होता है, अब उस पत्थर से हम लोग को निकालना है। तो देखो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे गर्म करोगे, जैसे ही आप गर्म करोगे तो देखो जैसे ही आप यहाँ पे देखो आप गर्म करो, गर्म किया सल्फाइड ओर को, देखो यहाँ पे जैसे ही आप गर्म करोगे, देखो गर्म करो यार हीट किया तो एच ओ टू गैस बाहर निकला, एच ओ टू गैस बाहर निकल गया, तो देखिए ये जिंक ऑक्साइड हो गया और एच ओ टू गैस बाहर निकल गया, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। ये लेड सल्फाइड है, हीट किया देखो एच ओ टू गैस बाहर निकला और ये हमारा लेड, रेड लेड भी बोलते हैं, लेड ऑक्साइड। ये आयरन पाइराइट है, ये कॉपर पाइराइट है, इसको हम हीट किए इसमें से एच ओ टू गैस निकला,
SO2 गैस निकला, और जैसे SO2 गैस निकला ये क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फाइड और कॉपर पाइराइट बनेगा। इसको बाद में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ये रोस्टिंग तो समझ में आ गया कि कॉपर पाइराइट का सल्फाइड और है, ये आयरन ऑक्साइड का, अगर हम बाद में करेंगे बाद में। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि आपने आयरन पाइराइट का देखा कि आयरन पाइराइट का अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, तो ये कॉपर सल्फाइड बना, आयरन सल्फाइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल गया। इसमें आयरन सल्फाइड का फिर अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, तो ये क्या होगा कि आयरन ऑक्साइड बनेगा और SO2 बनेगा, आयरन ऑक्साइड और SO2 बनेगा। ये आयरन ऑक्साइड इम्प्यूरिटी है, ये क्या है, गैंग है, ये गैंग है बाबू ने आपको बता दे गैंग है। तो इस गैंग को हटाने के लिए, इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए हम इसमें फ्लक्स डालते हैं। व्हाट इज फ्लक्स, द एडिशनल सब्सटेंस एडेड फॉर द रिमूवल फॉर रिमूविंग इम्प्यूरिटी। अगर इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए जो एडिशनल सब्सटेंस डालते हैं उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, यहाँ फ्लक्स डाला सिलिका को फ्लक्स के रूप में। जैसे ही डालेंगे बेटा तो ये गैंग और ये फ्लक्स मिल करके आयरन सिलिकेट बनाएगा जिसको स्लैग कहते हैं, यानी स्लैग गैंग और फ्लक्स मिलेगा तो स्लैग बनेगा। दिमाग बैठा ले कि गैंग और फ्लक्स मिलेगा तो स्लैग मिलेगा। स्लैग क्या होता है, वो हल्का होता है, ठीक है, स्लैग हल्का होता है। अब तो इम्प्यूरिटी किस रूप में आ गया, स्लैग के रूप में आ गया, हल्का होगा तो ऊपर तैरेगा, हम उसको हटा सकते हैं इजीली। यानी कि इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए, इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए हम एडिशनल सब्सटेंस जो डालते हैं वो उसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लक्स। और फ्लक्स और वो इम्प्यूरिटी आपस में मिल करके एक फ्यूजिबल सब्सटेंस बना देता है। दैट फ्यूजिबल सब्सटेंस इज कॉल्ड स्लैग। अब तो समझ में आ गया होगा कि स्लैग क्या है। अब देखिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, देखिए आप यहाँ पे ओर को रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब चाहे दो दिनों में से कुछ भी करेंगे, बस दिमाग बैठा ले कि दोनों को कुछ भी करेंगे तो रोस्टिंग, ठीक है, दोनों कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, कैल्सिनेशन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब वो मेटल ऑक्साइड जो बना, मेटल ऑक्साइड से हमको मेटल निकालना है, तो मेटल ऑक्साइड से मेटल कैसे निकालेंगे। अब ये मेटल ऑक्साइड है और इसका रिड्यूसिंग एजेंट देंगे, रिडक्शन कराएंगे तो मेटल निकलेगा, मेटल निकलेगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे बात करना है, ठीक है, ये क्या है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, पोटास, ठीक है, टीन, इसके लिए ट्रिक होता है, इसके लिए ट्रिक होता है। प्रोफेसर बोले तो पोटेशियम, BCS मैजेंटल, ऐसे करके हम ट्रिक बताते हैं, बताएंगे बाद में, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ऊपर से नीचे की ओर आने पे रिएक्टिविटी घटता है और ऊपर की ओर जाने पे रिएक्टिविटी क्या होता है, ऊपर से ऊपर रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव होगा और नीचे वाले क्या होंगे, कम रिएक्टिव होंगे। हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे कि कैसे किसी मेटल ऑक्साइड से मेटल कैसे निकाला जाता है, हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे पूरे ट्रिक के साथ। तब तक आज के लिए, आज बाबू आप लोग इस वीडियो को देखें, ढंग से देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैलाएं, हम लोग का मनोबल बढ़े। थैंक यू।